वेलकम व्यूअर्स, और बात करूंगा निफ्टी के बारे में। क्या हो सकता है, कल मंथली एक्सपायरी भी है, क्या लेवल्स हैं, क्या कामकाज कर सकता है और बड़ा गैप अप क्यों हो सकता है, पूरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखिए। जो लोग नए हैं उनसे कहूंगा भाई चैनल को लगातार देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ये कल का वीडियो है, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा था बड़ा गैप डाउन होगा, तो देखो आपको बड़ा गैप डाउन मिला है। सो आगे देखिए जो बड़ा गैप अप लिखा है उसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फटाफट देखते हैं दोस्तों क्या काम कैश किया है निफ्टी ने। एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, एक अच्छा खासा पुल बैक मिला, फिर एक हायर हाई लो लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ये ऊपर चले गया मार्केट, और यहाँ पर आके इसने जो ये नेक लाइन थी उसको कर दिया ब्रेक, फिर रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो ये पूरा प्राइस एक्शन था आज का दोस्तों। और यहाँ पर एंट्री कहाँ बनती थी, क्या इसमें स्पेसिफिक लेवल है जिसमें हमें नज़र रखनी है, तो दोस्तों वो लेवल जो आता है नज़र, वो सबसे मेन लेवल ये आता है निकल के। ये देखिए अब ये वाला स्विंग जो है, अगर हम लास्ट कल के स्विंग से मैच करें तो देखो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट ने कोशिश करी इसके नीचे क्लोज करने की, बट जो पोस्ट क्लोजिंग आई है दोस्तों लगभग 15,800 आई है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, और ये लेवल अभी भी एक सपोर्ट का काम करने वाला है मजबूत वाला। तो जब तक इसके लेवल के नीचे नहीं जाता मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी सेलिंग करने के लिए, पहला पॉइंट। क्योंकि अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो रहा है बट टॉप पे चले जा रहा है, फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है टॉप पे चले जा रहा है, तो आपको देखना है कि मतलब बाइंग लगातार आ रही है हर एक गैप डाउन के ऊपर, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि जब तक इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे कामकाज शुरू नहीं होता। इस रेंज के ये लेवल है दोस्तों 15,700 के नीचे अगर मार्केट टिकता है, 15 से 20 मिनट रुकता है, तभी जाके फर्दर सेलिंग का मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। कोई भी सेलिंग कहीं पर भी थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ पर बाय करके लोग ट्रैप हो जा रहे हैं, फिर ये मार्केट को ऊपर भगा दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ट्रैप वाला एंगल है। अच्छी खासी जो सेलिंग आएगी इसके अंदर, 15,700 का लेवल पूरी तरह ब्रेक होगा, उसके नीचे मार्केट रुकेगा 15 से 20 मिनट एटलीस्ट, तभी जाके कुछ बड़ा सेलिंग, फ्रेश सेलिंग का मोमेंटम आएगा। मैंने कल के निफ्टी के वीडियो के अंदर भी ये चीज़ आपको बताई थी कि पर्टिकुलर मार्केट की एक रेंज है 15,900 से 15,700, इसके बीच में ही मार्केट रहने वाला है, और आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से इसके बीच में ही रह रहा है दोस्तों। अब जिधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, फर्दर मोमेंटम, फर्दर क्या बोलते हैं कि जो फ्लो आएगा, चाहे सेलिंग का आए चाहे बाइंग का आए, इस पर्टिकुलर रेंज के टूटने के बाद ही आएगा। तब तक जब तक इस बीच में है तब तक आपको दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेड ही कर सकते हैं, जो मैं बार बार बताते हुए आ रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, कि क्या पॉसिबिलिटी है। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है दोस्तों बहुत लंबे समय से, और यहाँ तक मार्केट आ चुका है, और एटलीस्ट जो लगता है कि अगर इसको दोबारा से फर्दर सेलिंग स्टार्ट करनी है तो इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, जो कि कम से कम 16,100 के ऊपर आता है। तो जाहिर सी बात है अभी भी स्पेस है मार्केट के पास ऊपर जाने का, तो मुझे नहीं लगता कि फर्दर सेलिंग कुछ आने वाली है इसके अंदर। US का इवेंट भी है, वहाँ से क्या गैप अप क्या गैप डाउन होता है वो भी देखने वाला हूँ दोस्तों। बाइंग के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा बायसनेस दिख रहा है मेरे अंदर, क्योंकि जो पुट राइटर हैं उन्होंने ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं करी है, अच्छे खासे पुट राइटर यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, नई पुट राइटिंग हुई है, और अच्छा खासा जो सबसे बड़ा कॉल राइटर दोस्तों सबको पता है 16,000 पे बैठा है। ये लेवल मार्केट के लिए बहुत कह सकते हो आर पार वाला लेवल हो जाएगा, बट अगर हम ये सब डेटा देखें कि जो पुट अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है पुट का, तो जाहिर सी बात है निफ्टी के अंदर एक मजबूती दिखाता है पूरी तरह। कल एक्सपायरी में दोस्तों कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं एक गैप अप होता है, गैप अप अगर दोस्तों 15,865 के नीचे गैप अप होता है, तब तक अभी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तभी अच्छा मोमेंटम आएगा। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले, फिर इसको ब्रेकआउट करे, तब एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बाकी जो कॉल राइटर है वो थोड़े ट्रैप होंगे, फिर एक फर्दर कंटिन्यू तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, तो दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, जब तक इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक कोई फायदे गैप डाउन ओपनिंग नहीं है। यहाँ ओपन होते ही मार्केट ऊपर से सीधे ऊपर भाग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है गैप डाउन ओपनिंग में। गैप डाउन ओपनिंग हो तो बहुत बड़ी हो, पूरा 15,700 के नीचे हो, तब एक फर्दर फ्रेश सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा गैप डाउन होने वाला है, हाई चांसेस गैप अप के हैं, और गैप अप अगर 15,870 के ऊपर हो जाता है तो अच्छे खासे कॉल राइटर ट्रैप होंगे। मैंने जो आपको ओपन इंटरेस्ट का दिखाया डेटा उसके अकॉर्डिंग, फिर मार्केट जाहिर सी बात है 16,000 तक को टेस्ट करने जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बाइंग आ रही है ये बिल्कुल बेकार बाइंग नहीं है, आपको समझना है, लगातार बाइंग आ रही है, तो पुट खरीदने से पहले 1,000 बार सोचना है। जब तक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक पुट नहीं खरीदना है। 15,865 मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर जाएगा तो फर्दर कंटिन्यू तेज़ी एकदम से एक कह सकते हो एक तरफा मूव आ सकता है तेज़ी वाला। सो आपको इन 160 पॉइंट के अंदर मेरे हिसाब से कामकाज ना करें तो ज़्यादा ठीक है। अगर आप बहुत फास्ट स्कैल्पिंग समझ सकते हैं, कर सकते हैं तो बन सकता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 165 पॉइंट की रेंज को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, जिधर रेंज ब्रेक होती हुई दिखे फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू उस तरफ हो जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर न्यूज़ भी है दोस्तों, GST वाली मीटिंग का आउटकम भी आ गया है, और गवर्नमेंट ने जो कह सकते हो क्रूड ऑयल है वो अब प्राइवेट खुद भी जनरेट कर सकते हैं, प्राइवेट में बेच भी सकते हैं, इसका भी अप्रूवल दे दिया है। तो जाहिर सी बात है सब न्यूज़ फ्लो आएगा, बट US मार्केट में क्या हरकत रहती है, क्या मोमेंटम रहता है, वहाँ डेटा आने वाला है, उसके ऊपर गैप अप और गैप डाउन डिसाइड होगा, बट हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है गैप अप की।
क्योंकि दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऐसे चेक की जाती है। देखो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने देखो आज बड़ा मोमेंटम रिलायंस के कारण भी आया है, और मैंने दो दिन पहले यहाँ पर अपडेट किया था रिलायंस ट्राइंग टू ब्रेक आउट, और फर्दर मैं इसके साथ अपडेट भी देता गया लगातार। मैंने ये भी बोला कि इसके नीचे अगर क्लोज नहीं होगा, अगर सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और वही देखने को मिला दोस्तों। गैप डाउन जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खासा इसने बड़ी तेज़ी दिखाई है आज, और पूरा का पूरा मोमेंटम मेरे हिसाब से रिलायंस ने खींच लिया अकेले। सो ये चैनल ज्वाइन करके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर कुछ आएगा न्यूज ऐसा कुछ तो मैं इस चैनल के अंदर शेयर कर देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।